आ गया नया स्मार्टफोन केवल और केवल 1500 रुपए में 64 मेगापिक्सल के क्वाड रियर कैमरा के साथ स्नैपचैट फिल्टर के साथ दुनिया का सबसे सस्ता बेहतरीन 5G स्मार्टफोन। तो दोस्तों मुकेश अंबानी जी ने फाइनली अनाउंसमेंट कर दिया है और जियो फोन 5 की बुकिंग शुरू हो चुकी है। तो अगर आप भी इस स्मार्टफोन की बुकिंग करना चाहते हैं जिसमें आपको देखने को मिलेगा 64 मेगापिक्सल का DSLR इफेक्ट वाला क्वाड रियर कैमरा का सेटअप, साथ ही साथ आपको सामने की तरफ 32 मेगापिक्सल का कैमरा देखने को मिलेगा। तो चलिए दोस्तों हम आपको बताते हैं किस तरीके से आप इस स्मार्टफोन को अपने घर मंगा सकते हैं। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इस स्मार्टफोन की बिल्कुल फ्री बुकिंग हो रही है और हम लोग सबसे पहले इस स्मार्टफोन की बुकिंग करेंगे और 36 घंटे के अंदर यह स्मार्टफोन आपके घर पहुंच जाएगा। पूरी जानकारी मिलेगी इस वीडियो में। आप इस स्मार्टफोन में SIM 1 SIM 2 के साथ साथ SD कार्ड भी लगा सकते हैं। तो वीडियो के साथ लास्ट तक बने रहिएगा क्योंकि वीडियो काफी खतरनाक है और आपके लिए काफी खास है अगर आपको एक स्मार्टफोन की तलाश है। तो दोस्तों अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। साथ ही साथ आप इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं अपने सभी दोस्तों के पास जिसको जिसको स्मार्टफोन की तलाश है। दोस्तों इस स्मार्टफोन में देखने को मिलेगा 48 मेगापिक्सल का AI क्वाड रियर कैमरा, सामने की तरफ आपको 20 मेगापिक्सल का कैमरा देखने को मिलेगा, 7.1 इंच की डिस्प्ले के साथ साथ इस स्मार्टफोन को 5G सपोर्ट बनाया गया है। साथ ही साथ जियो फोन 5 प्रो में 64 मेगापिक्सल का कैमरा देखने को मिलेगा जो कि दुनिया का सबसे सस्ता 5G स्मार्टफोन है। दोस्तों अब हम लोग बात कर लेते हैं इसके प्राइस की। दोस्तों अगर आप चाहें तो आप इस स्मार्टफोन को ले सकते हैं जियो फोन 1 से एक्सचेंज करके, जियो फोन 2 से एक्सचेंज करके और केवल 501 रुपये देकर जियो फोन नेक्स्ट डे एक्सचेंज करके। कैसे लेना है आपको पूरी चार्ट मिलेगी क्योंकि जब मैं बुकिंग करूंगा तो वहां पर आपको पूरी रेट लिस्ट देखने को मिलेगी और साथ ही साथ कितने का रिचार्ज प्लान आपको सिलेक्ट करना है इस स्मार्टफोन को लेने के लिए आपको पूरी जानकारी मिलेगी। तो चलिए दोस्तों हम आपको बताते हैं किस तरीके से यह स्मार्टफोन आपको बुक करना चाहिए। दोस्तों इस स्मार्टफोन को बुक करने के लिए आपको जियो के ऑफिशियल वेबसाइट www.jio.com पे जाने की जरूरत है। अगर आप चाहें तो इस स्मार्टफोन को माई जियो एप्लीकेशन के थ्रू भी बुक कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों पैसा देने से पहले सोचना चाहिए। दोस्तों ये रहा आपके सामने जियो फोन 5 का फर्स्ट लुक जिसमें आपको देखने को मिलेगा ट्रिपल रियर कैमरा के सेटअप के साथ साथ डुअल LED फ्लैश और यह मेगापिक्सल कैमरा 48 है। दोस्तों बात करें इसके सामने के कैमरे को तो 16 मेगापिक्सल और 2 मेगापिक्सल का 2 पंच होल कैमरा दिया हुआ है और इस स्मार्टफोन की बुकिंग काफी जोर से चल रही है क्योंकि इस स्मार्टफोन की प्राइस केवल और केवल 1500 रुपये है। तो चलिए दोस्तों हम लोग बुकिंग करते हैं और वेट करते हैं जियो फोन 5 प्रो का। हो सकता है 15 जनवरी तक जियो फोन 5 भी इंडिया में लॉन्च हो जाए। तो अभी हम लोग इस स्मार्टफोन का रजिस्ट्रेशन करते हैं जो कि बिल्कुल फ्री है। तो दोस्तों यहां पर फॉर्म मेरा फाइनली हो चुका है ओपन, जहां पर आप देख सकते हैं जहां पर तीनों कलर अवेलेबल है, ऐसे कलर में से चूज करके एक कलर को चूज कर सकते हैं। दोस्तों घबराने की बात नहीं है, मेरा फॉर्म हो चुका है ओपन और नॉर्मली जैसे मैं फॉर्म फिल कर रहा हूँ उसी तरीके से आप फॉर्म फिल करके अपना नाम, लास्ट नाम, ईमेल एड्रेस और पिन कोड डालकर अपने लिए इस स्मार्टफोन की बुकिंग कर सकते हैं और रजिस्ट्रेशन नंबर मिलने के बाद आप निकटतम स्टोर से भी इस स्मार्टफोन को ले सकते हैं। याद रहे कि बिना रजिस्ट्रेशन नंबर के यह स्मार्टफोन ना तो निकटतम स्टोर से मिलेगा, ना तो अमेजॉन, ईबे और फ्लिपकार्ट जैसे ई कॉमर्स साइटों से मिलेगा।